पूरा तहस नहस हो गया वो तो। यह है यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है। अच्छा चलो भाई यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी चढ़ना। यहाँ से चढ़ना है सीढ़ी ऊपर। घूम रही है भाई वे तो कहीं कहाँ का मुझे नहीं पता, बस इधर घूमने को ऐसा लग रही है। सीढ़ी जाना चाहो सीढ़ी से जा सको तुम, इधर से जाना चाहो तो इधर से जा सकते हैं। किधर चलना है तुम्हें, गेट से या इधर से? व्यू पूरी पहाड़ी पहाड़ है भाई ये। इधर ये वाले किले थोड़ी जाएंगे अपन, बहुत ऊपर है, 8 किलोमीटर है भाई, वो तो खंडर हो रही है यार। तो किला तो हर जगह ही भाई, यहाँ पे हर पहाड़ पे एक आध एक आध जानी हमने क्या? हर पहाड़ पे एक आध किलो मिल जाओ इधर। हाँ। तुम्हारे दिख तो कसो हो गया, जब पहले घर वर थोड़ी होगा ज्यादा नीचे, ये खंडर उस सब जाओ उस टाइम का, ये खंडर में पड़े हुए हवेली बस भैं से टूट टूट के जो बांदी वगैरह थी ये उनका घर होगा अंदर, ये भी घर बन चुका है। अरे भाई साहब आते तो पाऊँ पाऊँ वही तो मैं सोच रही मम्मी गाइड की जरूरत ही कहीं मम्मी आई है तो बहुत मूवी शूट होती होगी यहाँ। घूमने के लिए बहुत सही जगह है, बेहतर तो यहाँ पे अभी तक कोई चार्जेस नहीं है, व्यू भी एक नंबर है। अभी तो सुकून से घूम रहे हैं। चलो आया हो जल्दी। हाँ भाई यहाँ भी तो सीढ़ियाँ तो बहुत बड़बड़ी भाई, यहाँ पे चढ़ते कैसे होंगे ये राजा महाराजा, चढ़ते थकते नहीं होंगे क्या? हाँ वहाँ पर टिकट लगे हुए। यहाँ बांदिया बैठती थी, यहाँ ये नाली हुई क्या? अरे यहाँ से खोप जो है सीक्रेट वाली, ये राजा महाराजा का ही है। मंत्री पद प्राप्त कर लिया है तो मैं आपको ये पत्र पढ़ के सुनाती हूँ। जलेब चौक से मुख्य महल में प्रवेश करने के रास्ते में सिंह पोल स्थित है। इसका निर्माण सवाई सिंह जय सिंह ने किया था। सन 1699। चलो आओ जल्दी आ जाओ आ जा। भैया ये तो टिकट ले लिए है, बस टिकट तो ज़्यादा महंगे थे, 100 रुपये का एक टिकट है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। स्टूडेंट आईडी से अगर आओ तो 20 रुपये का एक टिकट मिल सकता है, और बच्चे भी हो तो उसका भी मतलब 20 रुपये मिल जाएगा। वो भाई के लिए तो रुक जाओ यार।
पुराने जमाने के पूरे महल वगैरह भाई। देखिए सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रभुदेव गुजर, गवर्नमेंट ऑफ टूरिस्ट गाइड, आपका वेलकम करता हूँ। आप जिस फोर्ट का विजिट कर रहे हो, इसका निर्माण कराया गया था मानसिंह के द्वारा। ये 16th सेंचुरी के अंदर बना था सर ये, और चार पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट है परेड ग्राउंड, इसके अंदर राजा की सेना परेड करती है। पैलेस में आने के लिए दो गेट है सर, ये सूरजपुर गेट है, सामने वाला चांदपुर गेट है। इधर से सूरज, इधर से चांद। सूरजपुर गेट से राजा रानी आते थे और नगाड़ा बजा के उनका वेलकम किया जाता था। देखो नगाड़ा अभी भी बज रहा है। नगाड़ा रोज बजता सुबह 8 से 10। नीचे राजा का स्थापन होता था, घोड़े बांधने की जगह। अपर साइड में राजा के कमांडो रहते थे। वर्तमान में काली माता का मंदिर है, उसका पुजारी रहता है। काली माता के रोज एक बकरे की बलि लगती है आज। और जो पहाड़ी के ऊपर बोल देख रहे हो अभी चारों तरफ, ये पूरा किले का सुरक्षा बोल बना हुआ है। काली माता का जो अभी जा रहे थे ना आप, अभी लास्ट में दिखाऊंगा, 12 बजे तक खुला रहेगा। और सेकंड पार्ट आता है, इधर आओ, दीवाने आम। ये है दीवाने आम, इसके अंदर राजा का दरबार लगता था, नीचे लोकल पब्लिक बैठती थी। और अभी इसमें जो गांव की समस्या होती थी वो राजा को होता। दीवाने आम के अंदर जो बिल्डिंग है ये 48 पिलर पे बना हुआ है। इसके अंदर 16 पिलर है, ये वाइट मार्बल के हैं। बाकी 32 पिलर है ये रेड स्टोन के। वाइट मार्बल मुस्लिम आर्ट है, रेड पत्थर हिंदू आर्ट है। ऐसा क्यों? जोधाबाई का नाम सुना? जोधाबाई हिंदू थी, अकबर के साथ में शादी हो गया था, तो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन कर रखा है। सब मेंबर यहाँ पे आ जाओ, एक यहाँ पे ग्रुप में फोटो लेऊंगा सर आपकी। आइए चलो आओ। ये पूरा 27 कचहरी है, हर गांव का मुखिया आके बैठता था अपनी पूरी समस्या राजा को। नौ इधर, 9 3 27 नीचे केसर बाग है। राजा ने रानी के लिए केसर लगाया लेकिन केसर हुआ नहीं, गार्डन का नाम रख दिया केसर बाग। एलिफेंट राइडिंग होती है, आती नीचे से ऊपर लाएगा, 1100 रुपये लेगा 2 आदमी। रात को बिजली सिस्टम भी होता है यहाँ से। हाँ मम्मी को भी देखने दो। आओ तुम तो ये है गर्म पानी के लिए गीजर। 400 साल पहले लाइट नहीं होता था, जब राजा रानी को गर्म पानी की आवश्यकता होती थी नीचे लकड़ी जलाते थे, फिर ये चिमनी गर्म होती थी, ऊपर वाटर टैंक है, टैंक में जो पानी रहता था वो गर्म हो जाएगा। अपने मेंबर कहाँ गए सर? अटे रहा हूँ। ये कहाँ भूल भुलैया तो नहीं है? भूल तो नहीं, देखना अंधेरे में गिर मत जाए। ये उनका नहाने का है, ठंडे पानी का, इधर गर्म पानी का, इधर से गर्म पानी, उधर से ठंडा पानी, यहाँ पे मिक्स होके वो जग्गू जी है उसके अंदर रानी नहाती थी। रानी नहा के अपने बाजू का थी, वो चेंजिंग रूम होता। ये चेंजिंग रूम भी इधर ही है, ये चेंजिंग रूम वगैरह सब यहीं पे, ये ताला लगा हुआ है, ये घूम के यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। पहले कोई स्वीट टैंक नहीं होता था, गड्ढा होता था उसके अंदर चला जाता था, स्वेटर काट के लोग उसको साफ करते थे। इधर से आओ, ये वाले का फोन है क्या? हाँ जीप से आओगे।